हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ सिविल लाइन की वायरल कचौरी। आप इसको घर पे कैसे बनाएं और इसका सारा सीक्रेट रेसिपी मैं शेयर करूंगा आपके बीच में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम 1/2 kg छोला ले लिया, अच्छे तरह से हम रात भर भिगो दिए, अच्छे से फूल चुका है। 1/2 kg आलू छिला हुआ, इसको साथ में हम उबाल लेंगे अच्छे से। छोले को हम अच्छे से हम उबाल लेंगे, बिल्कुल गला लेना है। और इस साथ में हम 1/2 kg आलू जो छिले हुए हैं इसको भी डाल देंगे, साथ ही साथ इसको दोनों को बिल्कुल अच्छे तरह से सिझा लेना है, बिल्कुल गला लेना है कि आपका छोला भी पूरा गल जाए बिल्कुल और आलू भी। 2-4 सीटी लगा के अच्छे से गला लेंगे। फिलहाल हमारा छोला सिझ रहा है, हम बना लेते हैं कचौरी। 2 बॉल हम मैदा डालेंगे सबसे पहले, इसमें साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा सा नमक। 2 चम्मच हम मोम डालेंगे बड़ा चम्मच से। इसको अच्छे तरह से हम गूंद लेंगे टाइट, आसानी से हमारा जो कचौरी है अच्छे से बन जाए। हल्का पानी डाल के इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे, बिल्कुल आप जैसे घर में कचौरी बनाते हैं, खास्तेदार कचौरी बनाते हैं, उसी तरह से मैदा को गूंदेंगे हम उसी अनुसार। और पानी ज़रूरत अनुसार डालें, एक बार पानी नहीं डालें। एक बार डालने से आपका क्या होगा, मैदा गीला हो जाएगा तो बिल्कुल आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए जब भी डालें तो पहले हल्का पानी डालें, उसके बाद फिर ज़रूरत अनुसार आप पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम, इसी तरह से गूंदना है, इसी तरह से इसको मलाड़ दे के अच्छे से गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से मैदा कंप्लीट हुआ गूंदा के। आप चाहे तो मैदा को इस तरह से पटक के भी गूंद सकते हैं। जिस पटकने से क्या एक फ़ायदा है, जो आपका पानी कहीं कहीं पे देखते गीला रहता है, कहीं सूखा रहता है, उससे आपका बराबर हो जाएगा, पानी का अंश ख़त्म हो जाएगा पटकने से। हम तो कोई भी मैदा गूंदते हैं उसको पहले पटक लेते हैं गूंदने के बाद, इससे क्या होता है एक समान हो जाता है हमारा मैदा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। ये हमारा मैदा कंप्लीट हो चुका है। हम इसको 10 मिनट ढक देंगे भिंजा हुआ कपड़ा से, बिल्कुल साफ कपड़ा से हम 10 मिनट इसको ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम कचौरी बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। हमारा 10 मिनट हो चुका है, हम इसको कपड़े को हटा लेते हैं। अब इसका सारा हम गुली काट लेंगे एक साइज में एक समान, इस तरीके से। इस तरीके से सारा गोली काट लेना है। एक कढ़ाई में हम रिफाइंड चला लेंगे लगभग 1 लीटर, और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। साथ ही साथ हम तेल हमारा गर्म हो रहा है, हम साथ ही साथ कचौरी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम गोल कर लेंगे और अच्छे हाथ से इस तरह से हम दबा के कचौरी बनाएंगे, बेलना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से कचौरी हम तैयार कर लेंगे, इसी तरह से हम सारा कचौरी को तैयार कर लेंगे। हमारा कचौरी तैयार हो चुका है, हम इसको अब छानेंगे इस तरह से तेल में, एकदम मीडियम ताव में डाल देना है और अच्छे से इसको सिझा के निकाल लेना है। मीडियम ताव में डालना है आपको, ताव ज़्यादा तेल का तापमान गर्म ज़्यादा हीट ना होना चाहिए, ताव गुनगुना तेल में डालना है। और इसको अच्छे तरह से डाल के इस तरह से चला लेना है कि आपका कचौरी जो है नीचे बैठा हुआ ऊपर आ जाए। इस तरह से ऊपर नीचे कर लेना है कचौरी डालने के बाद। एक फ़ायदा क्या होगा, आपका कचौरी नीचे जो आप कढ़ाई में डालें जलेगा नहीं, बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ऊपर तैरने लगेगा कचौरी। उसके बाद आप पलट के आप ताव को तेज कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा कचौरी मेरा ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। अब इसको हम सारा कचौरी को पलट देंगे इस तरह से, बिल्कुल कचौरी फूला फूला नहीं बनाना है। इस तरह से पलट के आपको पलट के अच्छे तरह से ब्राउन करके आपको निकाल लेना है बादामी कलर करके। थोड़ा देर पकाने के बाद इसी तरह से हम सारा को पलट लेंगे कि हमारा दोनों तरफ एक समान पक जाए। इसी तरह से दोनों उधर भी पक जाएगा, बादामी कलर हो जाएगा। तो हम पलट के अच्छे तरह से पका के निकाल लेंगे, देख सकते हैं परफेक्ट कलर हो चुका है, बिल्कुल बादामी कलर हो चुका है। हम इसको निकाल लेंगे बारी बारी करके सारा, बिल्कुल फूला हुआ नहीं है, देख सकते हैं हमारा जो कचौरी है बिल्कुल फूला हुआ नहीं है, खास्तेदार है, कुरकुरा है। देख सकते हैं हमारा कचौरी रेडी हो चुका है, देख सकते हैं कितना कुरकुरा खास्तेदार बन चुका है बिल्कुल। छोला देख लेते हैं, हमारा छोला रेडी हो चुका है। गैस को खोल लेते हैं कुकर को, देख सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से इसको चूर कर लेंगे, इस तरह से फोड़ लेंगे बिल्कुल।
पूरा बिल्कुल छोला को गला लेंगे, चूर लेंगे, बिल्कुल खड़ा नहीं रहना चाहिए छोला। इस तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कलर, केसरिया कलर डालेंगे। आप घर में बनाए तो किस कलर से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बढ़िया कलर है, खाने वाला कलर, फूड कलर है, और आप इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घर में आप ज़्यादा कलर नहीं खाना चाहते हैं तो आप हल्दी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल अच्छे तरह से, कि आपका जो छोला बिल्कुल पेस्ट हो जाना चाहिए, दाना नहीं रहना चाहिए। इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का पानी। अब इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, भुंजा हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्का काला नमक और इमली का पानी। थोड़ा सा डालेंगे नींबू, एक नींबू गरा हुआ नींबू का रस, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम चाट लगाएंगे, आपको दिखाएंगे चाट लगाते हुए, कचौरी चाट। अब लगाएंगे हम सारा जो पेस्ट बनाया हुआ मटर का, इसको इस तरह से कचौरी में लगा के एक प्लेट में धरेंगे। इसी तरह से हम सारा बारी बारी करके, हम जितना आपको कचौरी लगाना है, कचौरी चाट, उस तरह से आप लगा के एक प्लेट में धर लें। इसी तरह से लगा के एक प्लेट में सरिया लें इसको। अब डालेंगे हम चटनी, खट्टा चटनी, थोड़ा सा मीठा चटनी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, काला नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, थोड़ा सा भुजिया। ये आपका चाट रेडी हो चुका है, बहुत लाजवाब, बेहतरीन। अब आप कौन सा वायरल वीडियो रेसिपी देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।